मैं हूँ ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। बिजनौर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश को आज गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने देश छोड़कर भाग रहे शहीद को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया, जो काफी दिनों से गैंगस्टर के मामले में वांछित चल रहा था। एसपी बिजनौर डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा किया है। दर्शन लगभग 1.5 वर्ष पूर्व मंडावर थाने में दर्ज किए गए गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में शामिल सहित देश छोड़कर सऊदी अरब में रहने लगा था। हालांकि मुकदमे में शामिल सहित के अन्य साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था, लेकिन सईद पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो गया और सऊदी अरब भाग गया, जिसमें बाद में शहीदी पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया। तभी पुलिस लगातार शहीद की तलाश कर रही थी, अचानक सऊदी अरब से बिजनौर आए शहीद की भनक पुलिस को लग गई और शहीद चौकन्ना हो गया और वापस सऊदी अरब जाने लगा। इसके बाद पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद सईद को एयरपोर्ट पर तैनात ऑफिसर की मदद से गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। अपराधी को गिरफ्तार किया है एयरपोर्ट से, क्या पूरा मामला है? थाना मंडावर में गैंगस्टर एक्ट का एक अभियोग पंजीकृत था, जिसमें सईद अहमद वांटेड चल रहा था लगभग 2.25 वर्ष से। यह सऊदी अरब में रह रहा था, उसी दौरान इसका आना जाना जनपद में लगातार बना रहा। इसको ये उम्मीद नहीं थी कि पुलिस यहाँ पर गिरफ्तार कर लेगी। इस पर 25,000 रुपये का मेरे द्वारा इनाम घोषित किया गया था। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर उतरते ही वहाँ के पुलिस अधिकारियों से, ड्यूटीरत अधिकारियों से लाइजनिंग थी, लुकआउट पहले जारी किया गया था। आते ही पुलिस ने इसको अपने हिरासत में लिया, विधिक कार्रवाई करके जेल भेजा जा रहा है। इसके कुछ साथी पहले गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।